शायद किसी और को नहीं समझा पाता, और हनीफ अंकल की वजह से मुझे मॉम डैड ने बहुत सपोर्ट किया। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना जहाँ पे सिर्फ सपने देख सकते हो आप, और उसके पीछे दौड़ना और उसको सपनों को हकीकत में बदलना शायद। एंड देन वो लोग आते हैं जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। मुझे एक छोटी सी स्टेज परफॉर्मेंस जो स्कूल में हुई थी, उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे पोस्ट करना स्टार्ट किया कि वहाँ से तुम स्टार्ट करो, और वो चीज़, वो एक स्टेज परफॉर्मेंस मुझे आज यहाँ तक लेकर आई है। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस सॉन्ग। Hi guys, Hanif bhai is very important to me also. Because of him I'm here and good to know you brother. Actually hamara Bollywood is for itne dardnak aur itne painful atmosphere se guzar raha hai. So, you know, to just come here and you know entertain you, it's very difficult for us. Since 3-4 days we are going through a very tremendous pain and problem in the Bollywood. And aap sab log ko hi pata hai Shri ji ke bare mein. It's a very sudden shock to the entire industry and the entire world. बट ज़िंदगी चलती रहती है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, यू नो, ये लोगों ने भी बहुत सारी मेहनत की है। आप भी वीडियो में, अच्छा, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी चलती रहती है, तो इन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत करी है। और आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज जनरेशन इज़ कमिंग आउट, हर चीज़ बदलती जा रही है, म्यूज़िक बदलता जा रहा है। ये लोगों ने ये एज के अंदर, हम लोग मतलब हमारे वक्त में तो ये एज में हम लोग को बाहर खेलने को भी नहीं मिलता था, पापा से प्रयास करवाते थे। And but then this age ke andar log bak, the next generation is really advanced and they are coming out and to prove themselves ke yes hamare paas bhi talent hai. So guys, give them a very big hand and main dua karta hu ki inshallah unki mehnat unko kamyab kare. And aap sab logo ka support raha to is tarike ke talent to hamare Bollywood mein bahut sare hain aur aate hi rahenge. Aur main good luck karta hu aapko dost ki you've done a good job as a first song. और आपकी गाड़ी बढ़िया है, आपका हेयरकट भी अच्छा है गाइस। वीडियो में कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। मैंने तो खुद ही अपना हेयरकट देखा नहीं है बहुत सालों से। एनी विच वेज, थैंक यू सो मच। टू मच ऑफ ट्रैफिक एंड आई हैव टू गो बैक टू द सेम प्लेस, सो गाइस एक्सक्यूज मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच। अच्छा, यू वांट टू अनवील द पोस्टर, ओके, यू आर बेटर विद ओपनिंग। Yeah, you will do it, brother. सिक्स गियर होता है ना गाड़ियों में, होता है ना? हाँ होता है, मेरी गाड़ी में नहीं है, मेरे अंदर है सिक्स गियर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव फन। और जिन लोगों ने भी इस वीडियो पे काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और जहाँ भी आप लोग बैठे हो, डायरेक्टर साहब और जिन्होंने भी इसमें एक्टिंग करी है और मदद करी है, उन सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये तो खैर मास्टर ही है, ये आवाज़ को बदल देते हैं, इनकी वजह से मैंने भी गाना चालू कर दिया। बट वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं है मुझे। अभी 2-3 ऐसे फंक्शन में होंगे तो शायद मैं भी एक वीडियो बना लूँगा। एनी विच वेज गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो पहले इतना बड़ा नुकसान इंडस्ट्री के लिए, इतनी बड़ी क्षति, श्री जी का जाना, ये क्या बारे में क्या कहना है? एक्चुअली बहुत ही कठिन वक्त चल रहा है इस वक्त बॉलीवुड में, और हम सभी लोग बहुत ही उदास हैं कि इतनी जल्दी और इस तरीके से हमारे बीच से इतना बड़ा कलाकार, मतलब द आइकॉन, द लेजेंड श्री जी चले गए। हमने साथ में काम किया है, आई नो हर पर्सनली, बहुत ही खुश मिजाज औरत हैं, औरत थी। और मतलब 3-4 दिन से पूरे घर का माहौल, पूरे इंडस्ट्री का माहौल अलग सा है, उसके बीच में भी यहाँ आके कुछ बोलना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे। बट देन इन्होंने, बच्चों ने कुछ मेहनत करी है, तो इनकी मेहनत आगे बढ़नी चाहिए इंशाल्लाह। आप लोग देखिए किस तरीके से हो सकता है, बिकॉज ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब एंड अच्छा वीडियो बनाया, अच्छा सिंगल्स का दौर चल रहा है इस वक्त, तो
this guy's done something nice, and I like his haircut, I like his style also. So he's doing very well, so I've come here to launch it. Okay, Sajid bhai, you have launched it. What is the best part you think about this editing, and, you know, while watching See, they are too young at this age. As I told you, हम लोग को हमारे डैड बाहर खेलने भी नहीं जाने मिलता था हमें सिर्फ पढ़ाई एंड रियाज बट एट दिस एज एट दिस पॉइंट ये लोगों को इतना एक्सपोजर मिल रहा है वो सब आप लोगों की वजह से इतना मीडिया इतना सोशल मीडिया इतना हाइप कर रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी हो जाती हैं तो या दिस इज़ द राइट टाइम लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग इट एंड आई थिंक ही इज़ टेकन अ गुड स्टैंड एंड ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर आई मीन द गाय knows how to do his magics and he's done it. पहला सॉन्ग है तो और अभी इसकी उम्र भी बहुत छोटी है तो आने वाले वक्तों के अंदर आई थिंक ही विल इम्प्रोवाइज ऑल्सो अलॉट एंड बहुत सारी चीज़ें होती जाती हैं तो शुरुआत अच्छी है एक्चुअली जिनको मैं सुन के बड़ा हुआ हूँ जब से वो जाना सुना है तब से बहुत छोटा था तो तब से बड़े होना और वहाँ से फिर मुन्नी बदनाम एंड एवरीथिंग सो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू हैव साजिद सर हियर ओके आखिरी सवाल साजिद आपसे क्या राय देना चाहेंगे एज एन यू नो इंडिविजुअल की किन बातों का ध्यान रखें ऐसा टू बी इन द बिजनेस एक्चुअली ये सॉन्ग का आप कर लो अभी तो खैर माहौल अजब अलग है थोड़ा सा बट ये सॉन्ग का कर लो उसके बाद यू शुड कम एंड विजिट मी आई थिंक दिस विल बी माई एडवाइस यू शुड कम एंड विजिट मी प्रैक्टिस विद अस यू नो बी इन द सर्कल बी विद द म्यूजिक बी विद द म्यूजिशियंस एंड इसी तरीके से आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी और आपने पहला ही काम इतना अच्छा किया है तो आने वाले वक्तों के अंदर वी आर देयर टू हेल्प यू यू नो साजिद भाई इज ऑलवेज बीन देयर टू हेल्प द जनरेशन पीपल एंड हूएवर दे नीड्स अस वी आर देयर टू हेल्प देम एंड आई थिंक He will definitely do very well. Thank you so much. Thank you. कल एल्बम बनाया अवस्थी गौरी अरशद गौरी जो मेरे अच्छे दोस्त थे मेरे तरफ से उनको ब्लेसिंग्स है और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के और मेरे तरफ से उसको शुभकामनाएं ब्लेसिंग मेरे तरफ से थैंक यू आप क्या कहना चाहेंगे सर आपके मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतना प्यार मुझे मिल रहा है लाइक आई डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे इतना प्यार मिलेगा कभी सोचा नहीं था लाइक हम जब छोटे थे लाइक जब मैं स्टार्ट कर रहा था मेरा खुद का काम तब सोचते थे कि हमको इतना प्यार मिलेगा बट आज जब मिल रहा है तो इट्स लाइक रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड थैंक यू सो मच एक्चुअली मैं इनके डैडी मुझे पहले मिले थे अब बोल रहे थे कि मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं ये जब मेरे से पहली बार मिला तो मुझे लगा कि वाकई में इसमें टैलेंट है उसको कुछ करना चाहिए तो मुझे मिलने के लिए इसलिए आए थे कि वो बोल रहे थे कि मैं क्या पैसा वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन जब मैंने इसकी आवाज़ सुनी और इसका कंपोजिशन सुना तो मुझे अच्छा लगा तो मैं बोला कि इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं मैंने सब मेरे जो इंडस्ट्री में जितने भी पहचान वाले अच्छे लोग हैं उनसे मैंने बात की अच्छा अरेंजमेंट करवाया और इसने भी बहुत मेहनत की गाना गाने के लिए बहुत मेहनत की तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो भी आउटपुट जो मुझे मिला है मेरी हम सब की मेहनत रंग लाई है और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं बहुत खुशी हो रही है करेक्ट नहीं बिल्कुल सही बोलते हैं और साजिद भाई एक्चुअली में बहुत अच्छे इंसान हैं और मैंने उनको एक बार कहा कि मैं इस बच्चे को ज़रा सपोर्ट करना चाहता हूँ तो एक पल के लिए भी मुझे उन्होंने मना नहीं किया और यहाँ पर लॉन्च में आ गया मैं माशाल्लाह उनके काफ़ी काम कर रहा हूँ उनके काफ़ी मूवीज़ के मैं काम कर रहा हूँ अभी हालिया उनकी मूवी आई थी वेलकम टू न्यूयॉर्क उसका पैंट में गाने जो गाना मैंने किया था मिक्स तो ऐसे ही मैं उनके काफ़ी काम कर रहा हूँ आने वाली कुछ भी और भी मूवीज़ है जिनके मैं गाने मिक्स कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझे इतने प्यार करते हैं उन्होंने इतने मुझे सम्मान दिया है खुशी की बात है ओके असल से शुरुआत साजिद वाजिद अपने आप में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी और हालात जिन हालात से इंडस्ट्री में उसके बावजूद जो आए हैं ना आपको सपोर्ट वेल वो सबसे पहली बात तो ये कि वो यहाँ पे आए वो ही बहुत बड़ी बात है और जिन हालात में वो यहाँ पर आए हैं दैट इज़ रियली सैड बिकॉज़ एक लेजेंड को जिनको हमने
बचपन से देखा है बड़े होते हुए, मैं तो शायद पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पर जब वो काम कर रहे थे, तो वो मेरे लिए तो ऑलरेडी लेजेंड है। तो उनको जिन पूरी इंडस्ट्री ने खोया और उस टाइम पे वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए, सो दैट इज़ अ रियली बिग ऑनर फॉर मी एंड आई एम हैप्पी एंड सैड एट द सेम मोमेंट कि हमको इस टाइम पे वो चीज़ करनी पड़ रही है जब पूरी इंडस्ट्री दुख के माहौल के अंदर है। मेरा सॉन्ग थोड़ा सा फंकी है, सो दैट इज़ नॉट लाइक गुड फॉर दैट, बट या ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू सिंग समथिंग फॉर हर इफ आई कुड, आई डोंट माइंड डूइंग दैट। ओके, असद क्या ध्यान में रखा है एल्बम पे काम करते वक्त, म्यूजिक की बात हो या उसको पिक्चराइज करने की बात? एक्चुअली ये पूरा सॉन्ग एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर था, दैट इज़ लव एट फर्स्ट साइट। तो ये गाना जब मैंने लिखा था, सो दिस सॉन्ग हैड जस्ट वन इमेजिनेशन इन माई माइंड कि एक लड़की को देख के और पूरा सॉन्ग उसके ऊपर बना है। सो लाइक द कार एंड द सॉन्ग, वो दोनों चीज़ें कार और लड़की के ऊपर हैं। सो एक या यूथ के माइंड में जो दो चीज़ें होती है, वो होती है या तो कार या तो लड़की। सो वो दोनों चीज़ें सॉन्ग के अंदर हैं, एंड दैट इज़ कि दोनों चीज़ के अंदर वो प्यार बता रहा है। इट्स नॉट कि आप एक ही चीज़ के पीछे रहते हैं, इट्स लाइक आप दोनों चीज़ के बारे में अपना प्यार इशार कर रहे हैं। सो दैट इज़ द सॉन्ग अबाउट। ओके, यानी क्या कहना चाहिए, खास है असद में, जैसे असद ने कहा वो नफ समझते हैं यूथ की, किसी यंगस्टर के देखो की आकार। आजकल क्या है, यंग जनरेशन बहुत एडवांस हो गई है तो उनको सब पता है कि नफ्स कहाँ पकड़ना है। तो ऑडियंस की नब पकड़ ली है इसने कि कार और वही है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। और हम इनकी पॉज से पकड़ से दूर नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि अभी जो यंग जनरेशन का जो टैलेंट है वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। हम लोग थे तो इतनी समझ भी नहीं थी जब हम छोटे थे, अब की यंग जनरेशन है, उनकी समझ बहुत ब्रॉड हो गई है और सोच अलग हो गई है। और हम लोग चाहेंगे कि इनको हम प्रोत्साहन दें और इनको आगे बढ़ाएँ।